सरकार भले बदल जाए, पुलिस अपने रवैये को नहीं बदलना चाहती। पुलिस के आला अधिकारी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपराधों को कम किया जाए, लेकिन नीचे के पुलिस कर्मी, यहाँ तक कि दरोगा, अपने पुराने अंदाज को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और किसी भी रूप में घूस लेने से परहेज नहीं कर रहे। यमुनानगर में नाबालिग की शादियों के होने का सिलसिला थम नहीं रहा। ऐसे में बाल विवाह संरक्षण विभाग कई नाबालिग लड़कियों की शादियां रोकने में कामयाब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये शादियां हो रही हैं। आज भी जिले के गांव खुर्दी में विभाग ने पुलिस की मदद से शादी रुकवा दी, हालांकि लड़की अपने नाना के घर पर आकर शादी रचा रही थी। लगातार बारिश के चलते कानपुर में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब घर में चैन की नींद सो रहा पूरा परिवार मौत की आगोश में समा गया। दरअसल बारिश के चलते मकान की छत गिर जाने से कमरे में सो रहे तीन लोगों की दबकर मौत हो गई। वहीं जब सुबह क्षेत्रीय लोगों को जानकारी हुई तो प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद प्रशासन ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।